प्रथम दृष्टया उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए उस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है थाना कासमाबाद में उचित धाराओं में। यह भी संज्ञान में आया है कि अभी करीब 4-5 महीने पहले यह अपराधी 4 साल हत्या के एक प्रकरण में जेल में था, वहां से छूटा था, लेकिन इस पूरी वीडियो की भी तहकीकात की जा रही है और इसकी जमानत कैंसिलेशन का भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जो अभियोग पंजीकृत है इसमें भी इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।